तो एक जगह आया सत्यार्थ प्रकाश में, कामा तुराणाम न भयम न लज्जा। जब व्यक्ति काम से आतुर हो जाता है, ना तो उसको भय रहता कि कोई मुझे पीटेगा, मुझे पकड़ेगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और ना उसे लज्जा आती, ना उसे शर्म आती कि मैं क्या कर रहा हूं, कोई देख ना ले। उसे ना भय और ना लज्जा कुछ नहीं रहती। मैंने कल एक फोन आया था, बहुत भयंकर उसने बताई मेरे को बातें, ऐसी ऐसी उसने हरकतें की। कल मैं उसको कह रहा था तेरा जीवन बहुत पवित्र, बहुत दबंग है। उसने कहा जी अब दबंग नहीं रहा, मेरे जीवन में दो घटनाएं ऐसी घटी, मैं टूट चुका हूं। फिर मैंने जब उसकी घटनाएं सुनी तो बहुत भयंकर घटनाएं थी वो। तो मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं, ब्रह्मचर्य आत्म बल देगा तो ब्रह्मचर्य देगा, बिना ब्रह्मचर्य के आत्म बल नहीं आ सकता। चोर आदमी चोर होगा तो चोट मार के भाग जाएगा, पर जार आदमी का हाथ नहीं उठेगा, जार आदमी खत्म हो जाता है, कोई सामर्थ्य नहीं रहता उसमें। और कितने प्रकार के मैथुन बताए? आठ प्रकार के मैथुन बताए। मैं कहता कि आठ प्रकार के मैथुनों में आदमी हर मैथुन में अपनी वासना की पूर्ति कर रहा है, ये नहीं कि आठ के आठ एकदम कर रहा हो। कहता यदि आप ये भी करते हैं, आठ में से कोई भी एक कर रहे हैं, तो आप अपनी वासना की पूर्ति कर रहे हैं, आप ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं। आठ मैथुनों में सबसे पहला मैथुन दिया दर्शन। अब किसके दर्शन? पुरुष स्त्री के, और स्त्री पुरुष के दर्शन। लेकिन जहां स्त्रियां नहीं होती वहां पुरुष पुरुषों में आकर्षण हो जाता है, जहां पुरुष नहीं होते वहां स्त्री स्त्रियों में आकर्षण हो जाते हैं। आप देखा होगा लड़कियों के हॉस्टलों में, आजकल ये वीडियो भी चल रही है, लड़कियों के हॉस्टलों में लड़की लड़कियां समलैंगिक हो जाती हैं, लड़के लड़के समलैंगिक हो जाते हैं। तो कारण क्या है? क्योंकि कामदेव तो अपना रंग दिखाता है, और उस रंग से हमने बचना है तो उसके लिए भाई प्राणायाम उपासना स्वाध्याय जरूरी है, और विचार आए तो उनको उठाना जरूरी है, अपने आप को व्यस्त रखना जरूरी है। तो पहली बात है स्पर्श। ये मैं कई बार देख रहा हूं आपस में बालक भी ज्यादा स्पर्श करते रहे हैं, सावधान हो जाओ, धीरे धीरे तुम्हें स्पर्श में आनंद आना शुरू हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति बीड़ी नहीं पीता है, पर जब बीड़ी पीने वाले के पास बैठता है और जो धुआं आता है उसको धुएं में ही आनंद आना शुरू हो जाता है, धुएं में ही मजा ले लेता वो। और तो छोटो कई तो जो बंडल होता है ना, बंडल बीड़ी का, मान लीजिए 25 बीड़ी का बंडल हुआ, उसको सूंघने में मजा ले लेते हैं, सूंघ लेते हैं उसको। बीड़ी पीने वाले के पास बैठना भी अच्छा लगा क्योंकि उसकी धुआं आता था ना। तो इसलिए इसी तरह कामदेव तो बहुत दूर से पकड़ लेता है। तो आपस में मैं कहता हूं सीधी सी बात है, डोंट टच मी, मुझे मत छू, ठीक है ना। एक दूसरे को खेल रहे हैं तो एक अलग बात है, बेमतलब में हाथ लाना, अनू करना, ये करना, हाथ पकड़ लेना है, मेरी बात ने समझ लो, जब तुम हाथ पकड़ते रहे ना फिर कहोगे वैसे तो मैं पहले बदनाम अगनी देव सीधा बोल रहे हैं। तो इसलिए मेरी बात को समझो, कामदेव जब आता है तो ये आदमी की भय और लज्जा दोनों खत्म कर देता है, ना उसके अंदर डर रहता ना उसके अंदर लज्जा रहती। और यदि ब्रह्मचर्य पालन करना है तो सीधी सीधी सी बात है भाई, आठ मैथुन पूरा तो लड़कियां तो है नहीं, लड़कियां ना लड़की समझो कि ना मन फालतू दर्शन इसकी तरफ है, ना इसको स्पर्श करना है ना, ना इसके साथ अनावश्यक संभाषण करना, मन अपने पढ़ाई में ध्यान रखना है, समझ गए ना। तो भाई बढ़िया ब्रह्मचारी बन जाओ, जब तारा स्पर्श करने का जिक्र है तो गायों को स्पर्श करो, हाथ फिरो उन पे है, उनको स्पर्श कर लो तुम। जब तुम्हारा ज्यादा लाड करने जिक्र है तो भाई पानी दाना डाल लो उनको, ठीक है ना। और गणेश ने भी ना स्पर्श करया करो, कहीं इसका भी गणी खाज करे जावा इसने लुटाएगा ना उल्टी, ठीक है ना। तो भाई ब्रह्मचर्य की मैं सीधी सीधी गाऊं हूं, मने मेरा ना जिंदगी मने इतने साल हो गए ब्रह्मचर्य बोलते हुए, रोज पता नहीं कितने मैसेज आते हैं मेरे पास, कितने लोग कहां फंस जाते हैं, पता ही नहीं लगता कब फंस जाते हैं। तो इन बातों को बहुत जरूरी है। और ये छोटे बच्चे भी भाई कई बार क्या हो जाता है,
जब कोई किसी ने छूने लग जाए ना तो उसे छुआने में मजा आने लग जाए है क्या रास्ते भी छुया नहीं थोड़ा सा और नजदीक लग गया ठीक है ना स्वाभाविक हो जाता वो। तो ब्रह्मचर्य का और मैं तो सीधी सी बात है ब्रह्मचर्य पालन करके तो जिंदगी में आनंद है। और ऋषि लिखा है जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता ना ऐसे को तो विद्या भी मत दो। सीधे सीधे शब्दों में ऋषि ने कह रखा है ही नहीं हो के इसके क्यों दे रहे हो ऐसे जितेंद्रिय जो जितेंद्रिय नहीं है वो विद्या के योग्य नहीं है। ब्रह्मचारी को विद्या मिलनी चाहिए और बढ़िया ब्रह्मचर्य पालन हो तो बढ़िया ब्रह्मचर्य पालन के लिए सीधे छोटे बच्चे सुन ले तारे समझ में आ जाए अपनी मूत्रेंद्री के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। कदे तमें कोया को तुमने सिखा दे करके देख बड़ा मजा आगे तुम भी सोचो रहे देख तो लियो एक बार किए ऐसा कैसा मजा इसमें जब तुमने अपनी मूत्रेंद्री के साथ छेड़छाड़ करी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जिंदगी का नाश हो जाएगा। यू एक बार कामदेव का जाल में जो फंस गया वो फंस गया निकलने के लिए बहुत भारी ताकत चाहिए। जब तुमने एक बार वो स्वाद पड़ गया ना लोग रोए ही कुकर छुट्टे छुटता नहीं इतनी आसानी था वो तो बहुत पुण्य आत्माएं होती हैं जो उसको छोड़ देती हैं। और जिसने कदे पड़ा ही नहीं स्वाद हम नहीं स्वाद कोई नहीं पड़ा कमरे में कुकरे कर ले रहा बाथरूम में कितनी देर बड़े रहो हमको टेंशन ही नहीं को दिखते नहीं। एक जना मेरे को पास आ बोला जी आप अकेले रहते हो कहा जी अकेला रहता हूँ बोला कि दिक्कत नहीं होती वहां क्यों कौन सी दिक्कत है कौन सी दिक्कत की बात कर रहे हैं दिक्कत हो तुमने हमने क्यों दिक्कत भाई। तो इसलिए ये बड़े सौभाग्यशाली है जिन्होंने काम वासना का स्वाद नहीं चखा है जिन्होंने मैं अरे इसमें क्या स्वाद स्वाद तो ब्रह्मचर्य में है ठीक है नी ये जो बच्चे से कोई ना कोई तरह तरह सौभाग्य है इव लगता में बच रहे हो तो और नहीं बच रहे हो तो बच जाओ ठीक है ना ये तुम्हारा सौभाग्य है। और मैं कोया ना कोया उस पर बाल ब्रह्मचारी की पहचान में वीडियो डालूंगा फिर तारे सारे एक्सरे आओगे बाहर कि कौन से की हड्डी कड़े टेढ़ी हो रही है ठीक है नी तो बढ़िया ब्रह्मचारी बनो अखंड प्रचंड ब्रह्मचारी बनो ठीक है। तो बहुत धन्यवाद नमस्ते सभी। डोंट टच मी मुझे मत छू ठीक है ना एक दूसरे को खेल रहे हैं तो एक अलग बात है बेमतलब में हाथ लाना नू करना ये करना हाथ पकड़ लेना है मेरी बात ने समझ लो जब तुम हाथ पकड़ते रहे ना तुम फिर आपस में गप्पा के ठा दे पाओ फिर कहोगे वैसे तो मैं पहले बदनाम अग्निदेव सीधा बोला है। मैंने जो ये पीछे वीडियो म्यूट की थोड़ा सा हिस्सा उसमें जो मैं कहना चाहता था ये कहना चाहता था कि लड़के भी आपस में एक दूसरे को स्पर्श ना करें वरना इनके भी लड़कों के भी आपस में संबंध बन जाते हैं बस मेरी वो बात कहना था तो उसको मैंने थोड़ा हरियाणवी में कह दिया। मेरा कहने का कोई वासना भरा तात्पर्य नहीं था बस समझाना चाहता था वहाँ थोड़ी मैं लंबे समय से हरियाणवी का प्रयोग रहा तो हरियाणवी शब्द प्रयोग कर दिया तो लोग आज इस बात पर भड़क जाते कि अग्निदेव सीधा बोलता है। अब मैंने ऐसी कौन सी सीधी बात बोलता हूँ समझाने का तो भाव है तो आप उस भाव को समझिए।